देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लहार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लिलवारी में जनजीवन दिन प्रतिदिन समस्याओं से गुजर रहा। 9 महीने से रोड पर जमा पानी पूरे गांव का मुसीबत बना हुआ है। इस पानी में सभी ग्रामवासी निकलते हैं जिससे बीमारी फैल रही। इस गंदे पानी से आज पूरे गाँव में रोड पर जो पानी भरा हुआ है उसके नज़दीक जो भी मकान बने हुए हैं उन मकानों में रहने वाले लोग डर के और दहशत में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि मकान में पानी अंदर जा रहा इसलिए कभी भी मकान धराशायी हो सकता है। इस बात को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान बंद करे हुए बैठे हैं। कोई सुध नहीं ली जा रही है, जनता पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्दी पानी की निकासी की जाए और नाले की व्यवस्था की जाए, महामारी से बचाया जाए, यही मेरा सरकार से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। सोनू यादव युवा नेता लहार विधानसभा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश सरकारों से मांग करते हैं, नहीं हम पर धरना प्रदर्शन देंगे फिर सेम प्रशासन जिम्मेदार होगा। ग्राम लिलवारी में प्रधानमंत्री जो सड़क योजना सड़क है उस पर 4 फुट के करीबन पानी भरा हुआ है, और जी घर है इसमें कभी भी हादसा हो सकता है क्योंकि इसमें अंदर से पानी आ रहा है। रात निकल गई, पूरी रात भर से वो लोग सब लोग उलीच रहे हैं, और मैं हर अधिकारी को मैंने आज SDM साहब से भी बात करी, SK प्रजापति जी से, उनने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, और हम सबसे अवगत कर रहे हैं हर अधिकारी से। अब मैं कहना चाहता हूँ इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए और आप जांच के आदेश दिए जाएं। मैं सभी से कह रहा हूँ कि जो ये भरा हुआ है इसमें इतनी बीमारी फैल रही है, पूरा गांव संक्रमण फैल रहा है, और मैं सब मीडिया वालों को ये दे रहा हूँ इस पर विशेष कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।